नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफा अवार्ड्स 2022 के बारे में और इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन सबको भी देखेंगे। फिर वो चाहे स्टैटिक पॉइंट्स हो या फिर इस वर्ष का विनर्स लिस्ट, उन सभी को इसी वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें आईफा अवार्ड्स 2022 के बारे में। आईफा यानी कि द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड्स, जिसकी शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो आईफा अवार्ड्स है, जब इसकी शुरुआत की गई थी उसी समय से अमिताभ बच्चन जी को आईफा अवार्ड्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके साथ ही साथ आईफा के द्वारा वर्ष 2009 में 5 स्पेशल अवार्ड्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये 5 स्पेशल अवार्ड्स कौन कौन से थे? इनमें एक था स्टार ऑफ द डिकेड अवार्ड। और ये जो स्टार ऑफ द डिकेड अवार्ड था, यह मेल और फीमेल कैटेगरी यानी दोनों ही कैटेगरी में अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ जो अगला नया अवार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था वर्ष 2009 में, वह था मूवी ऑफ द डिकेड अवार्ड। इसके साथ ही साथ म्यूजिक ऑफ द डिकेड और डायरेक्टर ऑफ द डिकेड का अवार्ड वर्ष 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था आईफा के द्वारा। इसके साथ ही साथ जो आईफा अवार्ड्स है, इसका पहला संस्करण चूंकि वर्ष 2000 में आयोजित किया गया था, तो पता होना चाहिए इसका आयोजन किया कहाँ गया था। तो वर्ष 2000 में आईफा अवार्ड्स इसका आयोजन किया गया था लंदन, यूके में। इसके साथ ही साथ पहली फिल्म जिसे आईफा के अंतर्गत बेस्ट फिल्म का खिताब दिया गया, यह था हम दिल दे चुके सनम। इसके साथ ही साथ आईफा अवार्ड्स जीतने के मामले में, यानी सर्वाधिक बार आईफा अवार्ड्स जीतने के मामले में जो फिल्म रही है, ये है 3 इडियट्स। इसने अलग अलग कैटेगरीज में सर्वाधिक बार, कुल 18 बार आईफा का खिताब जीता है। इसके साथ ही साथ बात आईफा अवार्ड्स 2022 की करें, तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि इसका आयोजन यास आइलैंड पे किया गया था, आबू धाबी यूएई में। इसका आयोजन 3 और 4 जून को किया गया था। इसके साथ ही साथ इस वर्ष आईफा का 22वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, इस वर्ष जो आईफा था, इसके 22वें संस्करण की होस्टिंग कर रहे थे सलमान खान, रितेश देशमुख और मनीष पॉल। अब बात करते हैं आईफा अवार्ड्स 2022 के विनर्स लिस्ट की। विनर्स लिस्ट के अंतर्गत जो सबसे पहले हैं, यह है बेस्ट एक्टर का पुरस्कार। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार इस वर्ष दिया गया विक्की कौशल को उनके फिल्म सरदार उधम सिंह के लिए। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया इस वर्ष कृति सैनन को उनकी फिल्म मिमी के लिए। इसके साथ ही साथ जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड था, यह दिया गया शेर शाह को। और साथ ही साथ जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड था, वह शेर शाह मूवी के ही जो डायरेक्टर है विष्णुवर्धन, इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही साथ बेस्ट प्लेबैक सिंगर इन फीमेल कैटेगरी, यह खिताब दिया गया अनीश कौर को। शेरशाह मूवी में एक गाना है राता लंबिया, और इसका जो फीमेल वर्जन है जिसे गाया है अनीश कौर ने, इसके लिए इन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर इन फीमेल कैटेगरी का पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही साथ राता लंबिया का ही जो मेल वर्जन है, जिसे जुबीन नौटियाल ने गाया है, तो जुबीन नौटियाल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर इन मेल कैटेगरी का पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही साथ बेस्ट लिरिक्स का पुरस्कार दिया गया कौसर मुनीर को, जिन्होंने 83 फिल्म की लहरा दो गीत का लिरिक्स लिखा था। इसके साथ ही साथ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड दिया गया एआर रहमान को, उनके गाने अतरंगी रे के लिए, जिसका डायरेक्शन एआर रहमान ने किया था। इसके साथ ही साथ जासलीन रॉयल, जावेद मोहसिन, विक्रम मोन्त्रोस और बी प्राक को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनके गाने जानी के लिए, जो कि शेरशाह मूवी के लिए गाया गया था, और इसका जो म्यूजिक डायरेक्शन था वो इन सभी के द्वारा किया गया था। इसके साथ ही साथ बेस्ट मेल डेब्यूट का अवार्ड, ये दिया गया अहान शेट्टी को उनके फिल्म तड़प के लिए। इसके साथ ही साथ बेस्ट फीमेल डेब्यूट का अवार्ड, ये दिया गया सारवरी वाघ को उनके फिल्म बंटी और बबली 2 के लिए। इसके साथ ही साथ बेस्ट स्टोरी अडेप्टेड, इसका पुरस्कार इस वर्ष दिया गया कबीर खान और संजय पूरन सिंह चौहान को उनके फिल्म 83 के लिए। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, बेस्ट ओरिजिनल स्टोरी का अवार्ड, यह दिया गया अनुराग बसु को उनके फिल्म लूडो के लिए। इसके साथ ही साथ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन फीमेल कैटेगरी का अवार्ड साई तम्हांकर को दिया गया उनके फिल्म मिमी के लिए। जबकि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन मेल कैटेगरी, इसका अवार्ड दिया गया पंकज त्रिपाठी को उनके फिल्म मिमी के लिए। अब एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बेस्ट एक्टर का खिताब, यह दिया गया विक्की कौशल को उनके फिल्म सरदार उधम सिंह के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सैनन उनके फिल्म मिमी के लिए। बेस्ट फिल्म शेरशाह। बेस्ट डायरेक्टर शेरशाह मूवी के डायरेक्टर है कौन? विष्णु वर्धन, इन्हें दिया गया। इसके साथ ही साथ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड पंकज त्रिपाठी को दिया गया उनके फिल्म मिमी के लिए।
तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा सब्सक्राइब के बगल में एक घंटी का आइकन है, इसे दबाकर आप हमारे चैनल से जुड़े हर एक नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।